अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव। टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक नेपियर्स बोन्स। इन 1616 सर जॉन नेपियर मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस नेम्ड नेपियर्स बोन्स। 1616 में सर जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट था जिसने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई। पहले बैकस थी सबसे पहली, उसके बाद दूसरी थी नेपियर्स बोन्स। This device was called Napier's bones as it had numbers carved on bones or on strips of wood. अब इसको bones क्यों कहते थे? क्योंकि Napier से इसलिए कहते थे ना, क्योंकि Napier ने बनाई थी। bones इसलिए कहते थे क्योंकि एक wooden block होता था इस तरीके का एक wooden block होता था जिसके ऊपर ना इसी तरीके की strips होती थी, ठीक है। उसके पास तरीके की स्ट्रिप्स होती थी तो वो ऐसा लगता था बोन्स हैं, तो इसलिए बोन्स नाम रख दिया। इन स्ट्रिप्स के ऊपर नंबर्स कार्व्ड हुए होते थे, मतलब ये तो एक पेपर है ना, तो इसके ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप वुड की बात करते हैं ना तो वुड पे कार्विंग होती है, तो उस पर नंबर्स कार्व्ड हुए थे, ठीक है। इट वॉज़ यूज फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। इसमें क्या होता था कि इसको यूज़ किया जाता था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते थे। अब देखिए, पहले ये चार चीज़ें फाइंड कर सकते थे सिर्फ, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन, लेकिन फिर इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई, थोड़ी सी एक अच्छी चेंज आ गई, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया कि इसमें फिर अब आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट होता है कि जैसे 2 है, ठीक है, 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4। तो स्क्वायर रूट होता है कि अगर आप 2 का स्क्वायर ले लें तो आंसर आएगा 4। मतलब स्क्वायर का मतलब है दो दफ़ा उसी नंबर को लिखना, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट होता है जब इस तरीके से, जो स्क्वायर रूट होता है ना वो ऐसा होता है, इसका मतलब होता है 1/2 स्क्वायर रूट। ये आप मैथ्स में आगे जाके पढ़ेंगे, 8 या 7 8 में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। इस ये होता है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये इस तरीके का होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये होता है स्क्वायर रूट होता है, इसके अंदर कोई भी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट है 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, ये होता है स्क्वायर रूट। तो इस नेपियर्स बोन के अंदर ये भी क्वालिटी थी कि आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट है पैस्कलिन। अब पहले एबैकस था, फिर नेपियर्स बोन आया, फिर आया पैस्कलिन। इन 1641 ब्लेस पैस्कल इन्वेंटेड द पैस्कलाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब पहले जो थे वो सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी, लेकिन उसके बाद ब्लेस पैस्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जिसके अंदर मशीन का इस्तेमाल किया गया था। इट कंसिस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद मूवेबल व्हील्स। वो क्या था कि ये है पैस्कलिन, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था इस तरीके का और उसमें व्हील्स थे, ठीक है। ये व्हील्स थे उसके अंदर ना इस तरीके के, तो इन व्हील्स से जो है वो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग करते थे अप टू 100 एंड 1000। अब देखिए बार बार मॉडर्नाइज हो जा रही है चीज़, पहले सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, फिर आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं, और अब आप डिवाइड और मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नंबर्स को अप टू 100 एंड 1000। इसमें सिर्फ नंबर आप 10 तक कर सकते थे, ठीक है, या फिर 99 तक, लेकिन इसमें आप 100 एंड 1000 तक भी जा सकते हैं, जैसे आजकल आपका कैलकुलेटर है, मॉडर्न कैलकुलेटर जो है। तो बार बार देखें चीज़ एवोल्यूट हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इसको कहते हैं, कि पहले सिर्फ ये था, फिर उसमें एक नई तब्दीली आई, फिर नई तब्दीली, एवोल्यूट हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है, बार बार एक चीज़ रेवोल्यूट हो रही है। डिफरेंस इंजन, अब चौथा है डिफरेंस इंजन। इन द 19th century चार्ल्स बेबेज invented a machine called the difference engine, ठीक है, to prepare mathematical tables. 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने invent की एक मशीन जिसको कहते थे डिफरेंस इंजन, टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल्स। ये यूज़ होता था मैथमेटिकल टेबल्स,
टेबल्स नहीं आप पढ़ते 2 3 4 5 की, 2 1 2 2 3 6, ये जो टेबल्स होती हैं इससे आप टेबल्स जो है वो उन्हें तैयार कर सकते थे। ये था डिफरेंस इंजन, ये देखिए इस तरीके का था और ये बहुत बड़ा था। उसने कहा था ना गॉगल ने कि पहले कंप्यूटर, टॉगल ने कहा था ना पहले कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, आप उनको हर जगह लेके नहीं फिर सकते, तो ये बहुत बड़ा है देखिए, उसको आप हर जगह लेके नहीं फिर सकते, ठीक है। उसके बाद था एनालिटिकल इंजन, 5 उन्होंने बताए इसमें, पहले बैकर्स, फिर नैपियर्स बोन, इसके अलावा भी बहुत थे लेकिन उन्होंने आपको इसमें सिर्फ 5 बताए हैं। 5वां है एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज आल्सो इन्वेंटेड, ये भी चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया, वो भी चार्ल्स बेबेज ने किया था और ये भी चार्ल्स बेबेज ने किया है इन्वेंट। इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर नोन एज द एनालिटिकल इंजन विच हैड द सेम बेसिक एलिमेंट्स एज द मॉडर्न कंप्यूटर। अब बना एनालिटिकल इंजन जिसके अंदर वही सारी चीज़ें थी जो आजकल के कंप्यूटर में हैं, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। वही मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें बेसिक हैं, इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस। तो ये सब चीज़ें एनालिटिकल इंजन में थी कि उसमें USB भी थी, लग जाती थी उसमें, आउटपुट भी वो देता था आपको, उसमें आप टाइपिंग भी कर सकते थे, तो उसमें सारी कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स थे जो आज के कंप्यूटर में होती हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर में होती हैं। ड्यू टू हिज पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू कंप्यूटिंग, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इन सारी काविशों की वजह से, इन सारी मेहनतों की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसका जो फादर है, उसका जो इन्वेंटर है, उसका जो बानी है वो है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो दिस वॉज द अर्ली कैलकुलेट, दीज वर द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, जो पुरानी डिवाइसेस थी फॉर विच वर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग।